वीरों के वीर परमवीर कहानियां तो कई बार पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन एक बार देखने का मौका, बात करने का मौका, ये तो सौभाग्य से ही मिलता है। और इस समय हमारे साथ है सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, 18th बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की लड़ाई में। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कारगिल युद्ध के दौरान, बाद में और अभी फिर आपसे मिल रहा हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा सावंत जी। आज हम बात कर रहे हैं परमवीर योगेंद्र सिंह यादव से, उनकी वीरता के बारे में। ऐसी वीरता जो एक इतिहास अपने आप में है, क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास में अभी तक केवल 21 परमवीर चक्र मिले हैं, और आपको जो परमवीर चक्र मिला है वो यंगेस्ट परमवीर चक्र, यंगेस्ट किसी सेना के सिपाही को मिला है। आपकी क्या उम्र थी जब आप? 19 साल। महज 19 वर्ष की आयु में आपको देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला, परमवीर चक्र। आपकी वीरता भी अनपैरेलल्ड थी। टाइगर हिल की वो लड़ाई, दुश्मन बहुत मजबूत था, लेकिन टाइगर हिल को कैप्चर करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए ये जो आज हमारी जनरेशन है यहीं पर तैयार हुआ, ये हमारी जन्मभूमि है, ये ग्रेनेडियर्स की जन्मभूमि है। मैं एक सिपाही, सिविलियन से सिपाही बना तो इसी ग्राउंड में बना, इसी धरती के ऊपर बना, और ये मेरा बड़ा सौभाग्यशाली है कि मैं ऐसे रेजिमेंट में आया जिसकी कहानियाँ किताबों में पढ़ा था, मेजर होशियार सिंह, सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद। तो इस मिट्टी के अंदर वो ताकत है, वो गुण है, वो संस्कार हैं जो इन बच्चों के साथ, जो हमारे शरीर के अंदर चलती जा रही हैं, अंदर जाती जा रही हैं, और हम एक उस ताकत को लेकर के जब यहाँ से बाहर जाते हैं, एक फौलादी एक सिपाही बन करके यहाँ से सेना का निकलता है, तो वो चाहे टाइगर हिल हो, चाहे तोलोलिंग हो, चाहे और कितनी भी बड़ी पहाड़ियाँ क्यों ना हो, हर एक पहाड़ी के ऊपर ये ग्रेनेडियर्स का सिपाही कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ता रहता और वहाँ पर विजय पताका फहराता है। यहाँ देश की भावी पीढ़ी तैयार हो रही है, देश के आने वाले फौलादी जिस्म तैयार हो रहे हैं, वो फौलादी इरादा तैयार हो रहा है, क्योंकि आपकी वीरता की जो कहानी है वो केवल एक फौलादी जिस्म की नहीं है, वो फौलादी इरादों की कहानी है। क्योंकि अगर आप इनके सीनों को देखें, और इनके सीने को देखकर किसी भी फौजी का, किसी भी देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा क्यों हो जाता है, मतलब इसको तो छूने की भी हमारी हिम्मत नहीं है। यह है परमवीर चक्र, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। लेकिन ठीक उसके बगल में जो दूसरा मेडल है, दोनों तरफ सफेद और बीच में लाल, इसे वूंड मेडल कहते हैं, यानी युद्ध में चोट खाई है आपने, और एक नहीं दो नहीं 17 बुलेट 17 गोलियां खाई आपने, लेकिन हौसला नहीं टूटा। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इसमें वो ताकत है कि इसमें जन्म लिया हुआ हर एक नौजवान वो आखिरी गोली तक, उसके अंदर वो ताकत है, क्योंकि वीर और वीरांगनाओं की धरती है। और ऐसे में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हूँ, सेना की जो ताकत है वो हमारे अंदर आई, और उस ताकत से हौसलों तक हम आखिरी दम तक हम लड़ते रहे, हर एक दुश्मन का खात्मा करते रहे। तो सब बशर्ते कि एक ट्रेनिंग, एक कमांडर के जो है एक दृढ़ विश्वास, आपसी हमारा विश्वास, जो आज ये ट्रेनिंग कर रहे हैं आपसी विश्वास को तो जगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं कि विपरीत हालातों में भी कि एक सैनिक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। सही बात है। और ये 18 बटालियन जो ग्रेनेडियर्स है, कारगिल की लड़ाई के दौरान जो आपके सीओ थे कर्नल खुशाल ठाकुर, कर्नल पनघाल जो आपके 2IC थे, सचिन निम्बालकर, बलवान सिंह, जॉय दास गुप्ता, इतने इनके सिपाही हैं जिनको मैं निजी तौर पर जानता भी हूँ, क्योंकि कारगिल की लड़ाई के दौरान आप लोगों के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला लगभग 2.5 महीनों तक। लेकिन जो टाइगर हिल की वो लड़ाई थी वो एक मिशन इम्पॉसिबल था। वो तो जिस तरफ से आप टाइगर हिल चढ़े, सैंडो पर आप लोग गए और वहां से टाइगर हिल 17,000 फीट की ऊंचाई लगभग, यस 16,500 फीट, 17,000 के आसपास की हाइट थी। लेकिन ये सैनिक के लिए, अगर सैनिक के इरादे और हौसले बुलंद हैं तो 17,000 के 27,000 भी होती तब भी जो है वो कम दिखती,
लेकिन वो चढ़े कैसे, क्योंकि ऊपर से पाकिस्तानी सेना थी और इतनी ताकतवर पाकिस्तानी सेना जो एक कंपनी लोकेशन, मतलब करीब 100 से 150 पाकिस्तानी, 150 की स्ट्रेंथ एक कंपनी की डिप्लॉयमेंट थी और जितने भी हैवी वेपन थे उन्होंने सारे वहाँ पर डिप्लॉयड कर रखे थे, क्योंकि वो दराज सेक्टर की सबसे हाइट वाली पहाड़ी थी, उसने पूरा डोमिनेटन किया हुआ था पूरा द्रास सेक्टर को, हमारा नेशनल हाईवे बिल्कुल ब्लॉक था, उसको खोलना बहुत जरूरी था। तो चढ़े कैसे वो 17? रस्सियों के सहारे, रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ऊपर की तरफ चलते गए। तो हौसले अगर बुलंद हैं एक सैनिक के तो हाइट कितनी भी कुछ क्यों ना हो वो हाइट उसको रोक नहीं सकती है। आप 17 गोलियां आपको लगी, एक समय ऐसा भी आया था जब आप वहां ऊपर थे आपके हाथ में चोट लग गई थी, आपके पैर में गोली लगी थी और उसके बावजूद आप लड़ते रहे थे। हाँ बिल्कुल, हाथ बिल्कुल टूट गया था, ये समझिए कि इसमें गोलियां लग लग करके पूरा हाथ छलनी हो गया था, पूरी हड्डी निकल गई थी, पैर में 2 जगह गोलियां लगी हुई थी और पाकिस्तानी से एक सिपाही ने आके फिर पैर में गोली फिर गोली मारी है, फिर यहाँ पर भी जो है चेस्ट में भी मारी है, सीने में गोली मारी, फिर भी बच गए, फिर भी बच गया, लेकिन बचना था, ऊपर वाले को बचाना था। ये इतिहास गवाह है कि वीरता कभी दफन नहीं होती है। मेरे साथ जो मेरे साथी थे उन्होंने वो वीरता दिखाई, वो पराक्रम दिखाया, उस पराक्रम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए शायद परमात्मा ने मुझे जिंदा रखा, आज मैं जिंदा हूं तो उन्हीं की बदौलत हूं, उस ईश्वर की कृपा की बदौलत। हम ये समझना चाहेंगे कि अगर दुश्मन ने आपको सीने में गोली मारी, हाथ में गोली मारी, पैर में गोली मारी, कुल मिलाकर 17 गोलियां आपके शरीर से निकाली गई थी। जी बिल्कुल, बचे कैसे वो सीने वाली गोली की? वो सीने वाले जो यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में कुछ गिलेट के 5-5 रुपए के सिक्के थे और जब गोली जो उसने चलाई तो वो जाए सिक्कों पे जा करके लगी, इसलिए वो रिकॉर्डेड हो गया। और उसके बावजूद आपका हाथ नहीं चल रहा था लेकिन आपके पास एक ग्रेनेड थी। हाँ ग्रेनेड थी, ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया और जैसे ही उस ग्रेनेड का हमले से वो पाकिस्तान का एक सैनिक मारा गया, फिर उसकी राइफल को उठा करके, क्योंकि एक हाथ तो चल नहीं रहा था, एक ही हाथ से उठाया, वहाँ से फायरिंग किया, दूसरे पत्थर से किया, तीसरे पत्थर से किया, उनको ये जजमेंट नहीं होने दिया कि यहाँ हिंदुस्तान की सेना का सिंगल पर्सन है, उनको लगा कि यहाँ नीचे से दूसरी टुकड़ी आ गई है और वो एक खौफ पैदा कर दिया उनके अंदर, उस खौफ से वो डर करके भागे। और सचिन निम्बालकर साहब, बलवान सिंह साहब जो बाद में सब कर्नल हैं सेना में, उस समय सब यंग ऑफिसर्स, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे बलवान साहब बिल्कुल सेकंड लेफ्टिनेंट थे उस टाइम पे और जो कैप्टन सचिन निम्बालकर उस समय कैप्टन थे डेल्टा कंपनी कंपनी कमांडर और बलवान साहब हमारे टीम लीडर थे घतक प्लेटून के प्लेटून कमांडर थे। और आप सब ने मिलकर, ये बहुत ज़बरदस्त जॉइंट ऑपरेशन था और सेना एक साथ कैसे ऑपरेट करती है ये उदाहरण ये टाइगर हिल की लड़ाई भी दिखाती है। लेकिन आपकी जो गैलेंट्री थी किसी तरह आप नीचे आए और तब आपने सीओ साहब कर्नल कुशाल ठाकुर को क्या बताया जिससे ये ऑपरेशन प्लान हो सका बाकी? हाँ जब मैं ऊपर गया, ऊपर जा करके देखा वहाँ से वो भाग चुके थे, उनका जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट था, उनके टेंट लगे हुए थे, उनकी बड़ी बड़ी गन्स वहाँ पर लगी हुई थी, तो वो सब कुछ मैंने देख लिया था। फिर जब सीओ साहब के पास आया, सीओ साहब ने बोला बेटा कुछ बताएंगे, तो तब ऊपर का जब घटनाक्रम बताया, फिर उनको बताया कि सर जिस रास्ते से हमको चढ़ाया आपने वहाँ पर तो उनकी मेन गन्स लगी हुई हैं, उसके जस्ट पीछे की तरफ उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, तो उनका सामने लंगर भी था, वहाँ सब कुछ उनको क्लियर बताया कि उन्होंने बोला हाँ बेटा यहाँ से कहाँ, अगर मगर सर आप अगर यहाँ से डायरेक्ट टॉप को देखते हो तो हेलमेट नुमा ऐसे पत्थर चमकता है, जस्ट इसके पीछे उनके टेंट हैं। तो उसी टाइम पे फिर जो है सीओ साहब को इन्फॉर्म किया, आर्टिलरी ने फायर शुरू कर दिया था, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर आर्टिलरी ने हमारे फायर किया, फायर करने के बाद जब हमारी टीम गई ऊपर कोई बिना कुछ कैजुअल्टी की विदाउट कैजुअल्टी टाइगर हिल के ऊपर फिर पता कर। आपने तो अपने कई साथियों के लिए गोली अपने ही शरीर पे खा ली थी, 17 गोलियां ली आपने अपने शरीर पर। ये एक सैनिक का फर्ज बनता है, दायित्व तो बनता है कि वो अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान करें। मैं तो अभी किताबों में पढ़ करके गया था, ग्राउंड में जा करके देखा, तो जब हमारे साथी हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने साथियों के लिए अपने आप को कुर्बान करें। हम लोग इस समय ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर पर है जबलपुर में और जबलपुर की ये धरती एक तरह से कहा जाए तो वीरों की धरती है, वीरों को जन्म देने वाली उपजाने वाली धरती। बिल्कुल, ये बहुत वीरों की जन्म देने वाली ये पावन जमीन है,
वो धरती है जहाँ से, इस जबलपुर की धरती से हिंदुस्तान की सेना ने 5 परमवीर चक्र दिए हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये परमवीर चक्र एक सैनिक का सपना होता है, सपना देखता है और उस सपने के लिए अपने आप को तैयार करता है। जिस तरह से आप इनको देख रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, ये अपनी पसीने की एक एक बूंद से अपने आप को अपने देश का सिपाही बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब आप इस भावी पीढ़ी को देते हैं, आने वाले इन सिपाहियों को देखते हैं ग्रेनेडियर्स के, तो आपके मन में क्या भाव उठता है? हाँ, मुझे भी भाव उठता है कि आज से 20 साल पहले मैं भी इन्हीं की तरह इस तरह से इसी ग्राउंड में पसीना बहा रहा था और सपने ले रहा था। एक सपने सजोए हुए था कि मैं भी जाऊँ, बहुत जल्दी से अपनी यूनिट में जाऊँ और यूनिट में जा करके अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। और लेकिन इतनी जल्दी ये सपना पूरा हो जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं था। और अब आपने एक नई पीढ़ी को एक नया सपना दिया है, आपने आज तक पर हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद और जय भारत। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये वही भूमि है जो वीरों को जन्म देती है, वीरों को एक नया रास्ता दिखाती है किस तरह से अपने देश के लिए समर्पित हो जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह और विवेक महिंद्रा के साथ गौरव सावंत, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर, जबलपुर, आज तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।